हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार आज कुछ एजुकेशनल वर्क कर लेते थोड़ा सा। मेरे पास कुछ मैथ्स के मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स हैं तो उनको कर लेते थोड़ा सा आज। तो आइए देखते हैं, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास हेडिंग है, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विद 5। कोई ऐसा नंबर जिसका एंड 5 पे होता है उसका हम स्क्वायर रूट किस तरीके से निकाल सकते हैं। इस ट्रिक को करने के लिए आपको बेसिक टेबल लर्न होने चाहिए, जैसे कि 2 से लेकर 10 तक के टेबल्स लर्न होने चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पहले ट्रिक देख लेते हैं। छोटे नंबर से शुरू करते हैं पहले। जैसे कि हम छोटा नंबर ले, सबसे पहले 15, हम यहाँ पे 15 ले लेते हैं। तो बेसिक से हमारे को 15 का 5 का रूट स्क्वायर पता होना चाहिए। 5 का स्क्वायर होता है 25। तो जो ये वाली डिजिट है, इस डिजिट को हम एक नंबर बड़े इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 1 है तो हम 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 2। तो 1 × 2 कितना होता है 2। सो दैट्स इट, इतना ही करना है, ठीक है। एक और करके देख लेते हैं। अब हम 25 ले लेते हैं, इससे थोड़ा एक डिजिट बढ़ा। 25 ले लिया। जैसे कि हमारे पहले क्या ट्रिक है, हमें 5 का स्क्वायर रूट सॉल्व करना है। 5 का स्क्वायर रूट होता है 25, और इस डिजिट को एक डिजिट से बड़े से मल्टीप्लाई कर देना। 2 है तो 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3 = 6। दैट्स इट, आंसर ये है। आप चेक भी कर सकते हो उसको एक बार। तो ये हमारे जो छोटे छोटे नंबर है, तो आइए थोड़े बड़े को ले लेते हैं। अब जैसे कि मैं 85 को ले लेता हूँ, मेरे पास है 85। ट्रिक क्या है हमारी, 25, 8 है, 8 × 9 = 72। ओके गाइस, तो आइए नेक्स्ट ट्रिक को देखते हैं। जो ट्रिक थी वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट थी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। तो ये वाली ट्रिक है, ये भी बहुत ज़्यादा इजी है, इसको हम 3 स्टेप में करेंगे, ठीक है। आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या करना होता है, हमें एक नंबर लेना होता है, कोई भी नंबर ले लेते हैं। मान लो कि हम नंबर ले लेते हैं 54। हमने इसका क्या करना है, स्क्वायर फाइंड करना है, वो भी ईजी मेथड से। तो हम स्टेप वन में क्या करते हैं, हम इस स्टेप वन में करेंगे सॉल्व बोथ डिजिट स्क्वायर सेपरेट। मतलब ये जो डिजिट है दो, इनका स्क्वायर को सेपरेट सॉल्व कर देंगे। अब जैसे 5 और 4 है हमारे पास, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। ये था हमारा स्टेप वन। तो अब स्टेप टू में देखते हैं क्या करना है। अब स्टेप टू ले लेते हैं। स्टेप टू में हमने पूरे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। किसको मल्टीप्लाई करना है, 5, 4 और 2। 5 × 4 × 2, इन सबको मल्टीप्लाई करना है, हमारा आ जाएगा 40। ईजी है, 5 × 4 = 20, 20 को 2 के साथ कर दिया, हमारा 40 आ गया। जो अब तीसरा स्टेप है हमारा, स्टेप 3 है। हमने स्टेप 3 में क्या करना है, इनको ऐड कर देना है बस। जो ये आया था और ये आया है, इसको ऐड किस तरीके से करना है ये थोड़ा ध्यान रखना। 5, 2, 1, 6, ये लास्ट डिजिट को छोड़ के इन बीच वाले टर्म्स में लिखना है, 4 और 0। अब इसको हम ऐड कर देते हैं, 6, 1, 9, 2, आंसर आ गया। अब देखिए, पहले स्टेप पे हमने क्या किया, 54 के जो 5 और 4 को सेपरेट स्क्वायर सॉल्व कर दिए, 4 का 16, 5 का 25। सेकंड स्टेप पे हमने क्या किया, ये जो हमारे पास 4, 5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, और इसके साथ जो ऊपर स्क्वायर में 2 है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, 5, 4, 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा 40 आ गया। उसके बाद तीसरे स्टेप में इनको प्लस कर देना है बस, लास्ट के डिजिट को छोड़कर। आइए कुछ सम सॉल्व करते हैं। तो अब हम नंबर ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 79। ओके, हमने ले लिया 79, इसका स्क्वायर सॉल्व करना है। तो हमारा पहला स्टेप क्या था, 9 का 81, 7 का 49। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, 7, 9 × 2, 7, 9 = 63 × 120 आ गया। तो अब 4, 9, 8, 1 के साथ 126 को प्लस कर देना, बस ये लास्ट डिजिट छोड़ देना है, इसका ध्यान रखना। ओके, 1, 4, 6, दैट्स इट, आंसर आ गया। अब एक और नंबर करके देख लेते हैं। अब हम 52 ले लेते हैं, 52 का स्क्वायर सॉल्व करना है, ठीक है। 4 आएगा इसका, तो 4 का हमने ध्यान रखना, अगर सिंगल डिजिट नहीं लिखना है, 4 के साथ हम 0 को लगा लेंगे। 5 का 25, 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20, 20 को प्लस कर देंगे लास्ट वाले डिजिट को छोड़ के, 4072। आप साथ साथ चेक भी कर सकते हो उसको। तो अब हम नंबर ले लेते हैं, 72। ओके, सेम 04 इसका 49, 7 × 14, 14 × 2 = 28, 28 लास्ट वाला डिजिट हमने छोड़ दिया, 4, 8, 9, 1, 4। उम्मीद करता हूँ यार आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, होप्स हो कि आप लोगों को ट्रिक समझ आई होगी। अगर कुछ वीडियो में अच्छा नहीं लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर सुधारूंगा।